Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. TIFR की जो एग्जाम है MSc in Wildlife Biology and Conservation, इसके लिए जो एंट्रेंस है उसके पेपर से एक क्वेश्चन लिया है, वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. एक तरफ हमें साइंटिस्ट के बारे में साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका मेजर कंट्रीब्यूशन दिया गया है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए हैं ऑप्शंस में, सो वी नीड टू मैच दीज साइंटिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशंस. हेलो फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम. TIFR की जो एग्जाम है MSc in Wildlife Biology and Conservation, इसके लिए जो एंट्रेंस है उसके पेपर से एक क्वेश्चन लिया है, वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं. मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. एक तरफ हमें साइंटिस्ट के बारे में साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका मेजर कंट्रीब्यूशन दिया गया है. डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिए है ऑप्शंस में, सो वी नीड टू मैच दीज साइंटिस्ट विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. यहाँ पर पहला है चार्ल्स डार्विन. डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इवोल्यूशन में. हम जानते हैं डार्विन की थियोरी है नेचुरल सिलेक्शन की. उसके बाद हम डार्विन फिंचेस के बारे में जानते हैं, जो रिसर्च उन्होंने किया था गैलापागोस आइलैंड के यहाँ, और वहाँ पर उन्होंने बर्ड्स पर रिसर्च किया एंड ही फाउंड दैट वो बर्ड्स सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए मेन लैंड से, और आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन द चेंजेस हैज ऑकर्ड इन देयर बीक साइज एंड शेप. दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कोनार्ड लॉरेंस. इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था इथोलॉजी में. इथोलॉजी मतलब एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड था इनका. मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑफ हिज बेस्ड ऑन इम्प्रिंटिंग. जैसे कि एनिमल्स में जब बच्चा जन्म लेता है तब सबसे पहले जिसे वो देख लेता है उसी को वो उसका पैरेंट या केयर टेकर समझता है. तो इस पर इनका रिसर्च था. इसे हम इम्प्रिंटिंग बोलते हैं. कुछ चीज़ें जैसे हम छोटे होते हैं या फिर एनिमल्स इन एनिमल्स डॉग्स में देखा जाता है कि जब वो छोटे होते हैं डॉग्स तब उन्हें जो सिखाया जाता है तब वो जो देख लेते हैं वो इम्प्रिंटिंग हो जाता है उनके ब्रेन में. वो फिक्स हो जाता है कि ये चीज़ ऐसी ही है. इवन इन एलिफेंट्स ऑल्सो हम देखते हैं कि एलिफेंट के बच्चे को अगर छोटे छोटा है तब बांध के रखो तो वो वहाँ से छूट नहीं सकता है, अगर बड़ा होने के बाद वो वहाँ से छूट सकता है. अगर वो इम्प्रिंटिंग हो जाता है उसके दिमाग में कि वो वहाँ से छूट नहीं सकता है, इसलिए वो ट्राई ही नहीं करता है बड़े होने के बाद. तो इसे हम इम्प्रिंटिंग बोलते हैं जो बचपन में हमारे दिमाग में एनिमल के दिमाग में हो जाता है. तो इसके बारे में कोनार्ड लॉरेंस का कॉन्ट्रीब्यूशन था. इसके बाद थर्ड है यहाँ पर ग्रेगर मेंडल. ग्रेगर मेंडल का कॉन्ट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में रहा है. हम जानते हैं मेंडल्स लॉ आर देयर. जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. पी प्लांट पर रिसर्च था काफ़ी सारा एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर डिजाइंड बाय द ग्रेगर मेंडल. यहाँ पर लास्ट जो है जेम्स वॉटसन. तो इनका कंट्रीब्यूशन था मॉलिकुलर बायोलॉजी में. इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया. इट इज़ अ डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. बैकबोन होता है फॉस्फेट शुगर का एंड बेसिस आर देयर इन बिटवीन. बेसिस आर स्टैक्ड ऑन ईच अदर. तो ये स्ट्रक्चर डिड्यूस करने का काम जेम्स वॉटसन का है. तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सी मिलता है जो ए विथ फोर चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन कोनार्ड लॉरेंस थर्ड बी थ्री सी टू ग्रेगर मेंडल जेनेटिक्स एंड डी वन.
जेम्स वैटसन मॉलिकुलर बायोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। सो विद दिस आई हैव कंक्लूडेड विद टुडेज वीडियो। I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.